माता, कैलाश पर पिता शिव तथा अन्य सभी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं माता। किंतु माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने पिता भगवान शिव से भी यहाँ आने का अनुरोध कर सकता हूँ, किंतु परंपरा तो ऐसी है कि पत्नी को ही अपने माता पिता का घर परिवार सब कुछ त्याग कर पति के घर जाना पड़ता है। जब पति के घर जाने के लिए पत्नी अपने माता पिता का घर परिवार बंधु बांधव सब कुछ त्याग कर सकती है, तो फिर अपने पति के पास पहुंचने के लिए अहंकार का त्याग करने में पत्नी को क्या आपत्ति हो सकती है? पिता शिव तो अनुरोध करने से यहाँ आ ही जाएंगे, किंतु उनके गौरव का सम्मान करना हम सब का परम कर्तव्य है। मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है, किंतु तुम सब के लिए मैं सदा पर्वतिया ही बनी रहूंगी, तुम भी मेरी सहेलियां ही बनी रहोगी। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। अब हम सबको देवी पार्वती के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उनके आते ही हम सभी मिलकर उनकी जय जयकार करेंगे। पति परमेश्वराय नमो नमः। शिव शक्ति की लीला ने प्रियजनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है देवी। नहीं प्रभु, नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा है, सब आनंदित हुए हैं। आप दोनों का पुनर्मिलन ये इस आनंद की चरम सीमा है। पिताश्री, आइए सिंहासन पे विराजिए। आइए माताश्री। परात परब्रह्म आदि प्रभु भगवान शिव की जय। आदि शक्ति माता पार्वती की जय। यही मेरे पति परमेश्वर हैं, इन्हें पति रूप में पाना ही होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुम आ गए देवी पार्वती। हाँ स्वामी, मैं आई। आप भी आ गए। हम कहाँ गए थे? कहीं गए हुए अवश्य थे स्वामी, अन्यथा समाधि में लीन होते हुए भी आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? वो कारण तुम सुनोगी तो तुम भी हंसे बिना नहीं रहोगी। तो आप सुना ही दें स्वामी हंसी की वो बात। देवी, नागलोक की एक राजकुमारी मणिभद्रा ने स्वप्न में देखे मानव राजकुमार चित्रांगद को पति के रूप में पाने की कामना की है। क्या ये बात हंसने जैसी नहीं है? नहीं स्वामी, यह ऐसी असंभव इच्छा नहीं है जिस पर हंसा जाए। आप चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वैसे भी वह नागवंश आपका आराधक है, आपकी कृपा तो उन पर होनी ही चाहिए। देवी, प्राणी की सद्वृत्ति और सत्कर्मों के आधार पर आराध्य की कृपा अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, किंतु यहाँ आवश्यकता कृपा की नहीं, जातिगत और वंशगत साम्य की है।
किंतु स्वामी, समय साक्षी है कि इससे पूर्व भी मानव नाग, मानव दानव, मानव गंधर्व तथा देव और मानव में संबंध स्थापित हुए हैं। फिर मणिभद्रा के साथ ऐसी कौन सी बाधा है? अर्थात तुम भी यही चाहती हो कि नागकन्या मणिभद्रा की एक असंभव मनोकामना पूर्ण हो? प्रश्न मेरी चाह का नहीं है स्वामी, उसकी भक्ति और आपकी कृपा का है। मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि आपके भक्त निराश न हो। उसने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, अब उसे फल देना आपके अधिकार की बात है। हे महेश्वर, हे प्रभु नागेश्वर, हे देवाधिदेव महादेव, तुम्हारी जय हो। हे शिव शंकर, आप हम नागों के परम पूज्य आराध्य हैं। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी अनुकंपा से आराधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नागलोक और नागवंश पर अपनी इस कृपा को बनाए रखना प्रभु। आपकी इस कृपा से ही हमारा जीवन गतिमान है महेश्वर। पिताजी, भगवान शिव की आराधना करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्या ये सत्य है? ऐसे निराधार प्रश्न का कारण जब तुम्हारे पिता भगवान शिव के सम्मुख स्वयं इस सत्य को दोहरा रहे हैं, फिर तुम्हारी शंका का क्या कारण है? श्रद्धा भाव ना होने पर ही शंका जन्म लेती है पुत्री, और यदि मन में श्रद्धा है ही नहीं तो आराधना करने का क्या प्रयोजन है? क्षमा कीजिएगा पिताजी, क्षमा। आपको क्रोधित करना मेरा अभिप्राय नहीं था। तो फिर क्या था तुम्हारा अभिप्राय? जब भगवान शिव असंभव को भी संभव कर सकते हैं, तो फिर साधारण मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रश्न ही कहाँ उठता है? पुत्री मणिभद्रा, तुम अपनी मनोकामना तो कहो कि वह है क्या? कहो पुत्री, क्या मनोकामना है तुम्हारी? हाँ पुत्री, भगवान शिव से निवेदन करोगी तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मनोकामना को प्रकट करने में जब संकोच हो और लज्जा आए, तो ये मान लिया जाता है कि मनोकामना का रूप विशिष्ट और भेदपूर्ण है। माता पिता से संकोच कैसा पुत्री? नागरानी, युवा संतान माता पिता से ही संकोच करती है। इस स्वाभाविक धर्म का निर्वाह ना होने पर संतान निर्लज हो जाती है। संकोच करने का स्वाभाविक धर्म अब पूर्ण हुआ पुत्री मणिभद्रा। माता पिता से इस प्रकार के संकोच का अर्थ कभी छिपा नहीं रहता, किंतु हम स्पष्ट सत्य जानना चाहते हैं। कहो पुत्री। माता, पिछली रात पृथ्वीलोक की जिस मानव को मैंने स्वप्न में देखा था, मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। यही ना? स्वप्न में देखे हुए उस पृथ्वी पुरुष का तुम पति रूप में वरण करना चाहती हो? बहुत भोली है हमारी पुत्री, भला स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं? स्वप्न सत्य हो अथवा नहीं, किंतु एक नाग कन्या का पति केवल एक नाग राजकुमार हो सकता है, कोई मानव नहीं। स्वप्न की बात भूल जाओ, यही तुम्हारे हित में होगा। हे शिव शंकर, जब ये सत्य है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो फिर मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करेंगे? हे प्रभु, मैंने तो अपने मन में निश्चय कर लिया है, यदि मैं विवाह करूंगी तो स्वप्न पुरुष के साथ ही करूंगी। यदि मेरी भक्ति में सत्यता है तो मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। Thank you.
भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हें एक दिन पाकर ही रहूंगी। राजकुमार चित्रांगद। प्रणाम महाराज। जीते रहो, कुशल पूर्वक तो होना। भगवान की असीम कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ महाराज। हमारे परम मित्र और तुम्हारे पिता महाराज इंद्रसेन से जैसे ही हमें संदेशा मिला कि शत्रु तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हम तुरंत अपने सैनिकों को साथ लेकर तुम्हारी खोज में निकल पड़े। महाराज, वैसे तो हमने अपने शत्रुओं का सामना डट कर किया, संभवतः वे हम पर भारी भी पड़ते, तो अचानक एक नागिन ने आकर उन दोनों को डस दिया और हमारे लिए घातक सिद्ध होने से पहले ही वे दोनों धराशायी हो गए। मैं आश्चर्यचकित होकर इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि आप आ गए। जीवन में जब भी ऐसे चमत्कार हों, इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भगवान शिव की लीला है, चमत्कार है और कृपा है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जिसके वो रक्षक हो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आओ चलें, महल की ओर प्रस्थान करें। जो आ गया। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी पुत्री सीमंतनी पर दया करें, कुछ कुछ ऐसा करें जिससे ज्योतिषियों की बताई भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हो। जीवन के अंत तक उसका सुहाग बना रहे, उस पर कृपा करो भगवान। उसे अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर प्रदान करो महेश्वर। उसके सुहाग और भाग्य पर घिर आई काली छाया को हटा दो महेश्वर, हटा दो। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो। पुत्र सीमंतनी, भगवान शिव से मेरे लिए दया की भीख क्यों मांग रही थी माँ? मेरे भाग्य पर, मेरे सुहाग पर ऐसी ऐसी कौन सी छाया मंडरा रही है माँ? ज्योतिषियों ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की है माँ? माँ मुझे बताओ। तुमने ये सब कहां से सुन लिया? तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरे लिए चिंतित हो और मुझे मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं? पुत्री, माता पिता के होते हुए संतान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संतान के लिए माता पिता चिंतित होते रहे, दुखी होते रहे, तो क्या संतान को चुपचाप सब देखते रहना चाहिए? तुम तर्क क्यों कर रही हो सीमंतनी? माँ, माँ मुझे सत्य बताओ, मुझे सत्य बताओ माँ। तू सुन नहीं चाहती है तो सुन। जब जब तेरा जन्म हुआ था, तब
कुछ अशुभ अवश्य है, इसलिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो। माँ मुझे बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तब ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि माँ जो भी उसे कह डालो। भविष्यवाणी की थी कि जब ये कन्या 20 वर्ष की होगी तो ये विधवा हो जाएगी। इसमें इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। विधवा तो मैं तब होंगी जब मैं विवाह करूंगी। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो विधवा होने की संभावना ही नहीं होगी। कहो तो मूलाधार ही नहीं होगा। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पिता अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहित नहीं रख सकता। और फिर हमने तो आपके स्वयंवर का निर्णय भी ले लिया है। महारानी, इसमें आश्चर्य का कोई कारण नहीं। और हां, हम अपने मित्र इंद्रसेन के पुत्र को शत्रुओं से बचाकर अपने साथ ले आए। उनके सत्कार और उनके स्वागत का सारा प्रबंध आप ही को करना है। अवश्य महाराज। राजकुमार चित्रांगद को सिमंतनी का विनम्र नमस्कार। राजकुमारी सिमंतनी, नमस्कार। पिताजी ने बताया कि आप शत्रुओं को पराजित करके यहाँ पधारे हैं, इसलिए हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। नहीं राजकुमारी, मैं इस बधाई का पात्र नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि उन शत्रुओं को मैंने नहीं किसी और ने पराजित किया था। वो तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। कृपया उस अद्भुत दृश्य के बारे में हमें बताएं। राजकुमारी, मैंने वहां जो देखा और जाना वो तो शब्द और वर्णन दोनों के परे है। मैं अभी तक उस दृश्य के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ हूं। अब तक वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वर्णन से परे होने के कारण उस दृश्य का आनंद केवल आप ही ले सकते हैं। पिताजी ने आपकी सेवा और सुविधा के लिए मुझे दायित्व दिया है। कृपया बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। आप मुझे लज्जित कर रही हैं राजकुमारी। मैं तो भगवान शिव से आपके स्वयंवर की सफलता की कामना करते हुए चाहता हूँ कि आपको एक योग्य और उत्तम वर प्राप्त हो। क्या हुआ राजकुमारी, क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? मैंने तो आपके स्वयंवर की सफलता की कामना की है। नहीं राजकुमार, आपने जो कहा वो उचित और शुभ था, किंतु मैं आपकी शुभकामना स्वीकार नहीं कर सकती। स्वयंवर में उपस्थित होकर मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। स्वयंवर में आपकी उपस्थिति से किसका जीवन संकट में पड़ेगा राजकुमारी? स्वयंवर तो आपके लिए हो रहा है, और आपकी उपस्थिति के बिना वो होगा भी कैसे? ये एक अत्यंत ही दुखद प्रसंग है, कृपया आप इसे
यहीं समाप्त कर दे, यही उचित होगा। ये भी संभव है कि इसे तुरंत समाप्त ना करके इस पर चर्चा करके फिर इसे समाप्त करें तो और अधिक उत्तम होगा। यदि आपने ये ठान ही लिया है कि इस दुखद प्रसंग को जानकर रहेंगे तो सुने, जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 20 वर्ष की आयु में मैं विधवा हो जाऊंगी। स्वयंवर में किसी का वरण करके मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डालना चाहती। अच्छा, मैं चलूंगी। तनिक ठहरिए राजकुमारी, और ये सुनकर जाएं कि मेरी माताश्री के विषय में भी ज्योतिषियों ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, किंतु मेरी माता देवी पार्वती की कृपा से आजीवन सौभाग्यवती रहीं और अब भी हैं। माता पार्वती की कृपा से? राजकुमारी, आप सच्चे मन से माता पार्वती की आराधना करें, फिर देखते ही देखते ये दुर्भाग्य की काली छाया सौभाग्य की ज्योति में बदल जाएगी। धन्यवाद। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण नारायण। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नारायण नारायण। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ॐ भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण। भगवती पार्वती। राजकुमारी सीमंतिनी, आप अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना किस उद्देश्य से कर रही हैं? प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, जब आपको ये ज्ञात है कि मैं माता पिता को बताए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना कर रही हूं, तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस आराधना के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। नारायण नारायण। किंतु राजकुमारी सीमंतिनी, क्षमा करें देवर्षि, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ अवश्य किया है, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। जब तक माता पार्वती स्वयं प्रकट होकर मुझे आजीवन सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल त्याग कर उनकी आराधना करूंगी। अंत में भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। नारायण नारायण। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा कदापि नहीं होगा। माता पार्वती बहुत दयालु है, वो तुम्हारी आराधना अवश्य सुनेंगी। कल्याण भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। कहाँ है मेरी सीमंतनी? महाराज कुछ करिए,
कुछ करिए महाराज, पुत्री के बिना मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। न जाने कहां होगी, किस स्थिति में होगी मैं। महाराज उसे ढूंढे। महारानी, पुत्री के अचानक इस प्रकार चले जाने से जितना दुख और चिंता आपको है उससे अधिक हमें है। हमने राज्य के चारों ओर सैनिकों को भेज दिया है। हाय मेरे पुत्री, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तूने तूने तनिक भी विचार नहीं किया कि तेरे चले जाने से तेरे माता पिता के मन पर कितना आघात लगेगा। इस प्रकार माता पिता को बिना बताए जाने वाली संतान के मन में क्या तनिक भी विचार नहीं आता? क्या उनकी बुद्धि इतना भी साथ नहीं देती कि वे सोच सके कि उनके इस प्रकार चले जाने से माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, उनका मन मस्तिष्क फट जाएगा। महारानी संभालो अपने आप को। महारानी, हम उसकी खोज के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज, महाराज चित्रसेन की जय हो। आओ सेनापति भद्रेश, क्या समाचार लाए हो? हमारी पुत्री का कुछ पता चला? क्षमा करें महाराज, हमारे सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान लिया किंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया है? उधर स्वयंवर के लिए राजाओं और राजकुमारों का आगमन आरंभ हो चुका है और इधर जिस राजकुमारी का स्वयंवर है उसी का पता नहीं। कैसा मानसिक कष्ट भोगना पड़ रहा है हमें। क्या युवा पुत्री का माता पिता होना अभिशाप है? महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है। Thank you.